नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना संबंधी आंकड़ों के मुद्दे पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण आज। सांसद मनोज कुमार झा आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से जारी करने में हो रही देरी की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का दिलाएंगे ध्यान। डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ा विधेयक आज राज्यसभा में होगा पेश। अपराध के समाधान और गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान में मिलेगी मदद। पारित कराने पर सरकार का जोर। सरकार का शैक्षणिक सुधारों पर जोर। राज्यसभा के एजेंडे में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पर भी होगा विचार। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक। मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह करेंगे पारित कराने का प्रस्ताव। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 समेत चार विधेयकों पर विचार होना है। साथ ही डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियम विधेयक 2018 सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल 2018-19 के अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। इनमें वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 और संविधान 123वां संशोधन विधेयक शामिल है। सार्वजनिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना संबंधी आंकड़ों को जारी करने में देरी का मुद्दा आज राज्यसभा में उठेगा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा इन आंकड़ों को जारी करने में हुई देरी से पैदा हालात की तरफ गृहमंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान दिलाएंगे। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 180 में ये उपबंध है कि कोई भी सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त बयान दे सकेगा। संबंधित मंत्री को इस मामले में बयान देना होता है। ध्यान दिलाना संसदीय प्रक्रिया में एक नई भारतीय पहल है। सीधा संसद भवन परिसर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, आज बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना संबंधी आंकड़ों के मुद्दे पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण है आज, किस तरह से अहम रहेगा ये? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में इसको लगाया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ये जो मनोज झा हैं आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं वो इस पर सरकार का ध्यान दिलाएंगे। उनका ये कहना है कि ये 2011 में जब इसको यूपीए के समय में इस सामाजिक आर्थिक जनगणना के लिए जो गठित किया गया था उसके आंकड़े 2015 में जुलाई में सामने आ गए थे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखे गए। और उसका मकसद यह था कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है और जो जातिगत स्थिति है देश की वो पता लग सके, जिससे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका जो वितरण है वो उनके मुताबिक किया जा सके। लेकिन उनका उनसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई, उन्होंने ये कहा कि इसके आंकड़े पब्लिक डोमेन में नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, लोग इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए गृहमंत्री से वो पूछने की कोशिश करेंगे कि इसके आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं किए जा रहे, क्योंकि सवाल भी कई उठ चुके हैं। हाल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो बिहार के उन्होंने उठाया था कि इसमें कई जो परिवार है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी उनके नाम शामिल नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा अपने आप में देखने वाला जरूर होगा। और इसके अलावा राज्यसभा की जैसे कार्रवाई की बात करें तो इस सेशन में कार्यवाही बहुत अच्छी चली थी पिछला दो दिन, लेकिन एनआरसी की वजह से उसमें कार्यवाही नहीं हो पाई। तो अब राज्यसभा में अगर ये कॉलिंग अटेंशन आता है तो ये काफी अहम होगा। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बिल ऐसे हैं जो, जैसे कि हमने आपने बताया कि डीएनए प्रोफाइलिंग से जुड़ा बिल है जो कि अपने आप में एक क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रैक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके साथ ही जो टीचर्स एजुकेशन वाला बिल है उस पर वक्ता पहले बोल भी चुके हैं, उस पर आगे की चर्चा होनी है। और इसके अलावा शिक्षा के अधिकार जो है जिसमें कि नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको भी यहां पर रखा गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज उस पर कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल काफी कोशिश की थी कि जब 11 बजे सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई तो 12 बजे उन्होंने अपने चैंबर में बुलाकर और अपोजिशन के लीडर्स को और साथ में संसदीय कार्य मंत्री को कार्रवाई को चलाया जाए। घंटे कार्रवाई चली भी एनआरसी के इशू पे, लेकिन उसके बाद वो नहीं चल पाई। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छी सार्थक चर्चा यहां पर हो सके। बिल्कुल, एनआरसी पर गतिरोध के चलते कल गृहमंत्री अपना बयान नहीं दे पाए और अब देखना होगा कि आज सदन की कार्रवाई किस तरह से चलती है। तमाम अहम विधायी कामकाज भी हैं जिनके बारे में आगे हम बताएंगे। फिलहाल पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि राज्यसभा में आज डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2018 पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन इसे पेश करेंगे और विधेयक का मकसद न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने और सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को विस्तारित करना है। बिल का उद्देश्य अपराध की जांच, मानव तस्करी रोकना, गुमशुदा लोगों की तलाश और लावारिस लाशों की पहचान में तेजी लाना है। विधेयक में इसका भी ध्यान रखा गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम भरोसेमंद हों और नागरिकों की गोपनीयता अधिकारों के लिहाज से डाटा का दुरुपयोग ना हो सके। साथ ही राज्यसभा में आज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर आगे की चर्चा होगी। 26 जुलाई को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसे विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। विधेयक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक से बीएड, डीएड, एमएड और कई दूसरे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थी। संशोधन विधेयक के तहत 20 केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस संशोधन से इन संस्थाओं में पढ़ रहे या यहां से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके छात्र शिक्षक के रूप में रोजगार पाने के पात्र हो सकेंगे। राज्यसभा में आज निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का और संशोधन किया जाना है। साथ ही राज्यसभा में आज द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज अमेंडमेंट बिल 2018 पर भी आगे की चर्चा होनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए इससे संबंधित 1999 के कानून में और संशोधन किया जाना है। व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पर आज राज्यसभा में विचार होगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी विधेयक पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक में तस्करी से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकार की ओर से स्टेट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर तैनात करने और जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन का प्रावधान है। विधेयक को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वही लोकसभा में भी आज कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होगा। वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक पर भी लोकसभा में विचार होगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पर भी चर्चा होगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके तहत मणिपुर में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में आज अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 पर भी चर्चा होगी। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। दोनों सदनों में आज कई अहम मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र भी पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। गिरिराज सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। हंसराज गंगाराम अहीर गृह मंत्रालय के लिए पत्र पटल पर रखेंगे। किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। साथ ही जयंत सिन्हा नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। वहीं राज्यसभा में आज अजय टमटा वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र रखेंगे। साथ ही सीआर चौधरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा विजयपाल सिंह तोमर और रणविजय सिंह जुदेव रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। भूपेंद्र यादव और नरेश गुजराल वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे।
लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। साथ ही सुभाष रामराव भामरे रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। और अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज कई अहम मंत्रालय से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे और एक नजर आइए डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले सवालों पर। संसद में प्रश्नकाल की शुरुआत श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रिपुन बोरा पूछेंगे कि क्या वर्तमान में वर्षानुवर्ष महंगाई की औसत दर 5.21% होने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 2500 रुपए से कम पेंशन मिल रही है। सांसद धीरज प्रसाद साहू का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि पिछले 3 सालों के दौरान हर साल में उड़ान भरने से पहले मदिरा पान किए हुए पायलटों की विमान पत्तनवार और विमान कंपनीवार कुल संख्या कितनी है। सांसद कंवरदीप सिंह का सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या प्राकृतिक गैस और ATF को माल और GST के तहत लाया जा रहा है। सांसद शशिकला पुष्पा का सवाल वस्त्र मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने सिरुवानी और नोयल नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए वस्त्र उद्योग से जुड़े कोयम्बतूर और तिरुपुर नगरों में बाहरी उपचार संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। सांसद विप्लव ठाकुर का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने देश भर में उड़ान योजना के दूसरे चरण के लिए कोई योजना बनाई है। इसके अलावा सदन में कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, कोयला और संचार मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।